जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा बरवर का मोहल्ला रोशन नगर में हो रहे नाला निर्माण कार्य में उड़ाई जा रही है मानकों की जमकर धज्जियां, जिसमें किया जा रहा है घटिया मसाले का प्रयोग। नाला निर्माण कार्य में लगाई जा रही है पुरानी ईंट, जिम्मेदार की जिम्मेदारी पर उठ रहे लगातार सवाल। ठेकेदार की दबंगई के सामने नगर पंचायत अध्यक्ष नसरीन बानो का कद बौना साबित हो रहा है। वही बरवर कस्बा भ्रष्टाचार व लूट खसूट व कमीशन खोरी के मामले में नंबर वन पर बनता जा रहा है। आपको बताते चले कि बरवर कस्बे के मोहल्ले रोशन नगर अताउल्ला के मकान से बली के मकान तक नाला निर्माण कार्य में पीला ईंट के साथ में पुरानी ईंट का प्रयोग किया जा रहा है और मसाला भी घटिया स्तर का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहीं मोहल्ला प्रेम नगर के सभासद के प्रति इसराइल से जानकारी देते हुए बताया कि सपा नेत्री चेयरमैन नसरीन बानो ठेकेदार के मोटा कमीशन के आगे चुप नजर आती है। तो वहीं अधिशासी अधिकारी प्रमोद पाल गुप्ता से घटिया निर्माण कार्य के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। अच्छा यू साहब, ये बताइए, ये जो मोहल्ला रोशन नगर में काम चल रहा है, इसमें नई ईंटों के साथ में पुरानी ईंटें लगाई जा रही हैं, इसके संबंध में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। आखिर क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है, क्या सिस्टम इसका है? देखिए, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर इसके बारे में जांच कर रहा हूँ, अगर ऐसा अगर मिलता है जी, तुरंत जो भी संबंधित ठेकेदार है उससे मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज़ें ये सही नहीं है उसको सही ढंग से निर्माण करा। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम, क्या उसको कहते हैं, जो काम चल रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं, उस पर कब तक कार्रवाई की, किस हिसाब, क्या सिस्टम है? अब काम है, अभी मैं उनको फोन करके भी पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह की जो शिकायतें मिली हैं क्या वो सही हैं कि नहीं सही हैं। अच्छा, अगर मिलती हैं तो मैं तुरंत उसके जो भी कुछ एक्शन लूंगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रफीक खान के साथ खयाम कुरैशी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। चंद्र फिरोजाबाद में द पिज्जा हब का उद्घाटन नगर पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे ने हवन पूजन कर किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस पिज्जा हब पर होगी फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। साथ ही बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी के पिज्जा हब की तर्ज पर हुआ द पिज्जा हब का शुभारंभ। जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, उसी के क्रम में बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटियों की तर्ज पर सिरसागर नगर क्षेत्र में पहला द पिज्जा हब खोला गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष सोनी शिवहरे ने हवन पूजन कर फीता काट कर किया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय नागरिक व द पिज्जा हब के संस्थापक मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि इस हब से फ्री होम डिलीवरी की सुविधा समस्त नागरिकों को दी जाएगी। वहीं बड़ी सिटियों की तर्ज पर हर तरीके से फास्ट फूड की व्यवस्था इस द पिज्जा हब में की गई है। आज यहाँ पिज्जा हब का इनॉग्रेशन था, यंग जनरेशन में हमारे नगर के अंदर इस चीज़ की मांग भी थी। उस मांग के अनुरूप जगदीश जी ने पिज्जा हब को यहाँ स्थापित करके एक अच्छा काम किया है। जगदीश जी के लिए और इस पिज्जा हब के लिए मेरी शुभकामना है कि ईश्वर आपको इस पिज्जा हब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। ग्राहकों के लिए यहाँ क्या क्या सुविधा है इसमें? ग्राहकों के लिए जैसा कि मैंने अभी संज्ञान में लिया था, हर तरीके की फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड है। जो आज के दौर में यंग जनरेशन के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड हो गई है। इससे पहले सिरसागंज में और भी खुले होंगे? नहीं, इससे पहले सिरसागंज में पिज्जा पहला ही ये प्रतिष्ठान है। इससे पहले कोई भी इस तरीके की यहाँ पर ओपनिंग किसी भी उसकी शॉप की नहीं हुई है। हो सकता है कि बाहर के आते हैं समस्त लोग और देखते हैं कि ज़्यादा कोई मिलेगा, ऐसा सामान तो नहीं मिलेगा यहाँ? नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मीडियम वर्ग और उससे ऊपर का वर्ग जो है आगरा या कहीं जाता है शॉपिंग के लिए, तभी वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड हो पाती है। उन परिस्थितियों में यहाँ जो मध्यम वर्गीय और उससे निम्न स्तर के लोगों के लिए यहाँ इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, वो जगदीश जी ने यहाँ इस तरीके से काम देने का काम किया है। सबसे कितना स्टाफ होगा यहाँ इसमें? शुभारंभ हुआ किसके द्वारा हुआ जी? हमारे बड़े भाई हैं, चेयरमैन साहब हैं शिवारी, इनके सानिध्य में यहाँ सिरसागंज में हमने पिज्जा है और इसके साथ साथ जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चलता है पश्चिमी भाषा सुविधा, जो दिल्ली में लोग आगरा में जाते हैं खाने, वह यहाँ सारी सुविधाएँ मिलेंगी और यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएँ। अगर यहाँ कपल्स या जो भी लोग आते हैं वीआईपी से लोग, उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था है। एटीएम भी कोई सुविधा लगे? एटीएम यानी ऑनलाइन सारी सुविधा, ऑनलाइन जो भी डिलीवरी जैसे। अरे कितना समझ से स्टाफ होगा या सिरसागंज में इससे पहले भी और भी होंगे? सिरसागंज में मेरी समझ से नहीं होगी इतना सा, अब ये पहला है। यहाँ लोगों से जब से चल रहा है तब से लोगों में चर्चा है कि अच्छा है, बढ़िया है, खुला है, यहाँ सुविधाएँ मिलेंगी।
और वो संभवतः हमें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी जो भी पेमेंट की सुविधाएँ सारी अवेलेबल है। ग्राहकों के लिए क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ? ग्राहकों के लिए मान लीजिए यहाँ बैठ कर खाने की व्यवस्था है, और घर पर अगर मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन डिलीवरी फ्री होम डिलीवरी। थैंक यू। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए देवशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।